दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ में ननद जी के घर नौकरानी बनकर नहीं जाऊंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनो बहू, तुम अपना सामान पैक कर लो निशा के पास जाने के लिए, और जब उसकी डिलीवरी हो जाए तो तुम आ जाना। रम्मा की सास सरला ने कहा तो रसोई में सब्जी काटती रम्मा के हाथ एकदम से रुक गए। वो अपनी सास की तरफ देखने लगी। तभी सरला जी ने कुर्सी पर बैठते हुए आगे कहा, उसकी सास ननद ने तो वहाँ जाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि निशा को ही भेज दो। ये जानते हुए भी कि डॉक्टर ने उसे यात्रा करने से मना किया है, जाने धरती पर कैसे कैसे निर्दयी लोग पड़े हैं जिन्हें सिर्फ अपना दुख दिखता है। अरे मैंने निशा को बोल दिया कि आखिरी वक्त में सेवा तो तू ही करेगी ना अपनी सास की, क्योंकि आखिर बेटा बहू ही तो काम आते हैं। लेकिन बेटी के प्यार की तो उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कहां बहू का दुख दिखने वाला है। लेकिन रम्मा ने साफ शब्दों में जाने से मना कर दिया। उसने कहा, माँ जी आपकी एक एक बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आज आप पहली बार सही बात बोल रही हैं, लेकिन माफी चाहूंगी कि मैं निशा दीदी के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे बिना घर के काम कैसे होंगे। अब आपकी तो उम्र रही नहीं घर के काम करने की, और अब आपसे होता भी नहीं। कहकर रम्मा सब्जी रख कर कमरे में चली गई और मन अतीत के गलियारों में चला गया। वो सोचने लगी कि सही बात कही है बड़े बुजुर्गों में, जो बात इंसान मुंह से नहीं समझता उसको समझा देता है। आज जो सासू माँ इतनी प्यार से ज्ञान भरी बातें अपनी बेटी के लिए कर रही है, वो उन्होंने रम्मा के लिए कभी नहीं सोची। उसे तो बहू या बेटी तो दूर उन्होंने कभी इंसान भी नहीं समझा। आज से ठीक 2 साल पहले रम्मा की भाभी प्रेग्नेंट थी, तभी रम्मा के पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। भाभी भैया दूसरे शहर में रहते थे। भाभी को डॉक्टर ने टोटल बेड रेस्ट बोल दिया था। 8वें महीने साथ ही ट्रेवल की भी मनाई थी। रम्मा की माँ ने जब उसकी सास से अपनी समस्या बताते हुए कहा कि वो कुछ दिनों के लिए रम्मा को भेज दे, तो सरला जी ने गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा रम्मा की माँ को सुनाया। ये तक कह दिया कि आप जैसी माए ही बेटी का ससुराल तोड़ देती हैं।
जब बेटी से ही सेवा करानी थी तो उसकी शादी क्यों की? अब यही रह गया है कि बहू रहते मैं घर के काम करूं। समस्या आपकी है तो आप जानिए कि कैसे सुलझ। रम्मा अपनी माँ के दिए कसम से चुप रह गई, लेकिन उसे अपनी माँ का अपमान कभी नहीं भूलता था। जब जब सरला जी को वो सामने देखती उसको सारी बातें याद आ जाती, लेकिन आज जब खुद के ऊपर आई तो बात समझ में आई। लेकिन आज रम्मा का दिन था जवाब देने का। रम्मा का जवाब सुन सरला जी मुंह फुलाकर कमरे में बैठ गई। और शाम को जब रम्मा के पति उमेश घर आए तो उन्होंने अपने बेटे से बातें बड़ा सड़ा कर पेश की, ये कहते हुए कि देख बेटा, तेरी तो एक ही बहन है और उसके दुख में हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? आखिर भाभी का भी तो कुछ फर्ज बनता है। उमेश ने माँ की बात सुनकर गुस्से में रम्मा को बुलाया। रम्मा जानती रही कि उमेश तो अपनी माँ की ही सुनने वाले हैं, लेकिन आज उसका इरादा कोई नहीं बदल सकता था। हाँ उमेश, आपने बुलाया मुझे, रम्मा ने कहा। हाँ, तुमने निशा के घर जाने से क्यों मना किया? जाओ, जाकर कपड़े पैक करो, जाने की तैयारी करो। उमेश, शायद आपने ठीक से सुना। नहीं माँ जी ने कहा, क्या मैंने मना कर दिया है? यानी कि मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अच्छा थोड़ी ना लगता है कि बहू के रहते माँ जी काम करे। और वैसे भी वो अब हमारे घर की समस्या नहीं है, क्योंकि सही कहा ना मैंने? सरला जी को अपनी कही गही पुरानी सारी बात याद आ गई। वो रम्मा को गुस्से में घूरने लगी। तब तक रम्मा ने दूसरा तीर छोड़ा। माँ जी, एक काम हो सकता है, आपका सामान पैक कर देती हूँ, आप शायद जाइए। वैसे भी एक बेटी का ख्याल एक माँ से अच्छा कौन रख सकता है? सोच लीजिए, सोच कर बताइए, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, कहकर रम्मा मुस्कुराती हुई रसोई की तरफ बढ़ गई। फिर ये दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है कि यदि ससुराल वाले चाहते हैं कि बहू आपके दुख सुख समझे, तो उसके लिए आपको भी उसके दुख तकलीफ को समझना होगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।